चंद्रयान वासियों, भाई और बहनों, चंद्रयान की भी शुभकामनाएं। और आज भाई और बहन के पवित्र त्यौहार, सामाजिक सद्भाव का त्यौहार, समरसता का त्यौहार, समाज की उन्नति और स्वावलंबन के लिए मैं सभी के लिए शुभकामना करता हूं। और आज भाई और बहनों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी, बहनों ने राखी भी बांधी। यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा के बंधुओं को, बहनों को, सभी को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक अनूठा का नज़ारा है क्योंकि अल्पसंख्यक बहनें आ जाई हैं, बड़ी मैसेज देने का भी काम रहा है। बहनें तो बहनें होती हैं, माताएं और बहनें, क्योंकि हमारे देश की महान संस्कृति, हमने देवी का उपासना का जो पर्व नवरात्रि रहता है, रक्षाबंधन रहता है, भाईदूज रहता है, और सारे त्यौहार हो या उत्सव हो, हमारे यहाँ माता और बहन उसको हम सर्वोच्च मान करके और उसके माध्यम से ही घर की उन्नति, खुशहाली, घर में स्नेह का वातावरण, सेवा की भावना का वातावरण, ये सारी बातें रहती हैं। और इसलिए ये एक अच्छा आनंद का उत्सव हम सबको आया है। इस पर्व की बहुत बहुत सबको कोटि कोटि शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी बहनों को इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया था कि आज रक्षाबंधन पर जो हमारी अल्पसंख्यक बहनें हैं, हिंदू भाइयों के रक्षाबंधन पर राखी बांधेंगी, एक गंगा जमुना तहजीब का जो एक माहौल बनाने का हमने जो प्रयास किया है राजस्थान के अंदर, जिस तरह से आज हमारा ये जो मैसेज देने का काम है, माननीय मोदी जी ने जो आह्वान किया पूरे देश के लिए, राजस्थान की जो आज हमारी बहनें यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आई, और जो हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब को उन्होंने रक्षाबंधन पर राखी बांधकर एक भाईचारे का पैगाम दिया। और हम भी आप सबके चैनल के माध्यम से सारे पूरे प्रदेश को, पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। इन बहनों से मैं यही निवेदन है मेरा कि जो बहनों ने आज ये रक्षाबंधन में जो राखी बांधी है, हम भी इनकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हिंदू धर्म का ये त्यौहार है, लेकिन आप इसे भी सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छा त्यौहार है और बहन भाइयों को एकता का दिखाता है, इसका संदेश भी देता है एकता का, कि मुस्लिम बहनें भी भाइयों को राखी बांधती है और हमारे भाई भी हिंदू बहनों के पास जाते हैं राखी बनवाने के लिए। और यही हमारे हिंदुस्तान की परंपरा रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो नहीं किसी ने मनाया हो ये त्यौहार, सभी मिलजुल के मनाते हैं, करते हैं, सभी बहनें आती हैं, हम हमेशा से मनाते हैं ये त्यौहार, सब भाइयों को राखी बांधने के लिए आते हैं। आज हमने भी भाई साहब को बांधी, बहुत दिल खुश हुआ और सबको बहुत बहुत बधाई हो, मेरी तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई हो रक्षाबंधन।